नमस्ते दोस्तों, हम लोग और एक बार आए हैं मात्रा एंटरप्राइज के एक नया वीडियो लेके। तो आज भी हम पैच रोस्टर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो तब तक जो मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग इसी मशीन में जैसे सैप लगाया, अभी रोस्टर में सैप घुसा रहे हम लोग। तो ये सैप को लगाने का जो इसका जो लगाने का सिस्टम है वो देख लीजिए। ये हम लोग सैप के ऊपर एक बूस्ट लगाते हैं, फिर बूस्ट के ऊपर हमारा ये जूते हैं जो वेल्डिंग है वो हम बनाते हैं, क्योंकि सैप के डायरेक्ट आप लोग सैप से डायरेक्ट सिस्टम एसी को जोड़ देंगे तो आपको लास्टिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए बूस्ट देना होगा आपको, बूस्ट के ऊपर आपको इसका वेल्डिंग लगाना होगा। तो ये जैसे बना रहे हैं पैच रोस्टर देखिए, और इसका जो बेयरिंग है जो भी पैच रोस्टर है, ऐसे 100 किलो हो, 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो, 500 किलो, सभी पैच रोस्टर में ऐसे ब्लॉक बेयरिंग होना चाहिए। ऐसे यूपीसी या 208 नंबर या 205 नंबर बेयरिंग नहीं चलेगा इस रोस्टर में, क्योंकि पैच रोस्टर जो होते हैं इसका बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही वेटफुल होते हैं। तो इसलिए इस रोस्टर में ऐसे बेयरिंग होना चाहिए, और पैच लगाने के लिए ऐसे बूस्ट चाहिए, बूस के ऊपर आपको वेल्डिंग करना होगा। तो अगर इसी जानकारी आपको हम मुड़ी मशीन के बारे में देते रहेंगे, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छा रहिए।